हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन ते। क्लास सिक्स की एक्सरसाइज 5.2 जिंदा आपां सैवंथ नंबर पार्ट सॉल्व करन जा रहे हैं। आपां की सिंपलस्ट फॉर्म दे विच लिखना, सिंपलस्ट फॉर्म मतलब कट करके, सिंपलस्ट फॉर्म मीनिंग दो नंबर जिन्हां दे विच कुछ कॉमन नहीं है, मतलब जिन्हां दा एच सी एफ किन्ना होवे अपने कोल 1, उहनूं सिंपलस्ट फॉर्म कहिंदे आ। ठीक है, मतलब जदों आपां नूं कट करिए, जिवें 3/4 है, जे आपां नूं रिड्यूस करना चाहिए तो रिड्यूस नहीं हो सकता, यह सेम रहेगा 3/4। पर जे अपने को 6/8 है, इनू आपां रिड्यूस कर सकते हैं, किवें कर सकते हैं, 2 दे टेबल ते 3 2 6 4 2 8, सो दैट इज़ 3/4। जे आपां देखिए इन दोवां नंबर दे विच कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोवां दा एच सी एफ किन्ना अपने को 1 आ रहा, तो यह अपने को है सिंपलस्ट फॉर्म है। तो आप हम जो नंबर है इन्हों के सिंपलस्ट फॉर्म के लिखना है, देखो किमें लिखा। आप पहला क्वेश्चन अपने को 255/50, जेडे बच्चों कट नहीं करना आता की करे, नंबर पेल की है प्राइम फैक्टराइज के रूप में लिखणगे। देखो 255 जो मैं 5 से लैके गया, जदों लास्ट नंबर 0 या 5 हो 5 से लै जाया करो, तो यह कि आ गया अपने को 51 आ गया। जदों 255 5 नाल डिवाइड किया कि आ गया 51। हुण 51 किन्ने ते जांदा अपने को 3 ते, 17 आ गया, फिर 17 किन्ने ते आ गया अपने को 17 ते आके 1 आ गया। मतलब उपरले पार्ट नूं आपां ब्रेक कर लिया, 5 × 3 × 17, दैट इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 255। हुण आपां सेम 50 नूं डिवाइड करांगे, 50 पहलां 2 ते गया किन्ना आ गया 25, अगेन 5 ते गया 5 आ गया, 5 ते गया अपने कोल की आ गया 1 आ गया, तो की बन गया 2 × 5 × 5। ठीक है, पहला आप 255 ब्रेक किया, उस तो बाद 50 ब्रेक किया 2 × 5 × 5। हम जो कैंसल होंगे कैंसल कर दो, देखो 5 × 5 कैंसल हो रहा, बाकी कुछ भी कैंसल नहीं हो रहा, सो दैट इज़ आंसर। उपर उपर मल्टीप्लाई करो तो कि आ गया 51, थले मल्टीप्लाई 5 × 2 = 10, तो इनकी सिंपलैसट फॉर्म की आ गई 51/10। वैसे तुसी डिवाइड भी कर सकते हो, सिंपल कैंसल भी कर सकते हो, पर जड़े बच्चों कैंसल नहीं करना आता किसी टेबल पर, तो वह की है प्राइम फैक्टराइजेशन दे नाल कर सकते हैं। पहला उपर वाले नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर थले वाले नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो कैंसल हो रहा कैंसल कर दो, जो नहीं कैंसल हो रहा एज इट इज़ लिखो। जिवें अपने को सैकेंड क्वेश्चन है, सैकेंड क्वेश्चन की अपने को 700/100, ये बिल्कुल सिंपल जहा क्वेश्चन है। देखो 00 × 00 कैंसल, बाकी कि आ गया 7/1, जनू की लिख सकते हैं ओनली 7। देखो जो 00 कैंसल हो रही है तो सीधे कैंसल कर सकते आप, तो आंसर कि आया 7/1 या अपने को आ गया 7। हम जो आप थर्ड पार्ट में देखिए, देखो 5 में आप लिखा 5 × 1 1 5 = 5 हों, 15 की लिखांगे 5 × 3 5 3 = 15। हुण 5 × 5 कैंसल, तो बाकी आंसर की आ गया मेरे को 1/3। जेडे बच्चों नूं कैंसल करना आता टेबल आ सीधे कैंसल कर सकते हैं, वो सीधे किमें कैंसल करे 5/15, 5 1 = 5, 5 3 = 15, सो आंसर इज़ 1/3। जेडे बच्चों नूं घट आउंदा वो की करनगे, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन करनगे। देखो जिवें 5 दा 5 नूं 5 ते लैके गया किन्ना आ गया 1, तो 5 नूं की लिखणगे 5 × 1। उस तो बाद 15 नूं ब्रेक करनगे, पहला 5 ते गया 3, फिर 3 ते गया तो 1, सो 5 × 3। हुण देखो 5 × 5 कैंसल हो रहा, तो बाकी की बच गया, उपर 1 बच गया, थले की बच गया 3, सो आंसर इज़ 1/3। उस तो बाद जे आपां डी पार्ट देखिए, देखो डी पार्ट अपने कोल की है 81/12। डी पार्ट की अपने को 81/12, सब तो पहला मैं 82 ब्रेक करूँगा, 82 ब्रेक किया तो कि आ गया 41, 82 2 तो किया कि आ गया 41। हुण 41 की है प्राइम नंबर है, तो 41 ते ही जाएगा तो कि आ गया 1, तो उपर आप लिख सकते हैं 2 × 41। उस तो बाद 12 ब्रेक करो, 12 की है स्टार्टिंग दे 2 ते डिवाइड होएगा। ठीक है, जो 12 2 नाल डिवाइड किया 6, अगेन 2 ते डिवाइड किया 3, अगेन 3 ते किया तो कि आया 1, तो आप 12 की लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। पहला आप 82 ब्रेक किया प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर आप 12 ब्रेक किया,
2 इंटू 3 हुण कैंसल की हो रहा 2 नाल 2 कैंसल हो रहा उपर बच गया अपने को 41 थले 3 2 जा कि आया 6 सो फाइनल आंसर इज 41 डिवाइड बाय 6 दैट इज़ द फाइनल आंसर। जे आप लास्ट पार्ट देखिए ई पार्ट ई की कह रहा आप 75 डिवाइड बाय 100 पहला 75 नू ब्रेक करो मैं तुहानू कहा जदों लास्ट नंबर 5 होवे तो ऑलवेज 5 ते लै जाया करो 5 ते गया तो किन्ना आ गया अपने को 15 अगेन 5 ते गया तो किन्ना आ गया 3 ते गया तो किन्ना आया 1 5 इंटू 5 25 25 इंटू 3 75 सो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 50 ਅਗੇਨ 2 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 25 ਦੇਖੋ 100 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 50 50 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 25 25 ਨੂੰ 5 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਅਗੇਨ 5 ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ 2 ਇੰਟੂ 2 ਇੰਟੂ 5 ਇੰਟੂ 5 ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ 5 ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ ਉੱਪਰ ਬਚ ਗਿਆ ਓਨਲੀ 3 ਥੱਲੇ 2 2 ਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਬਾਏ 4 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।